एक अननोन स्टेट, एक अज्ञात स्टेट जिसमें आपको नहीं पता रहता कि अगले पल क्या होने वाला है। आपको पता है ये जो स्टेट है अननोन स्टेट, ये स्टेट सबसे सिक्योर स्टेट है। इस स्टेट में हम कंसेप्ट लेस रहते हैं, इस स्टेट में हम एफर्टलेस रहते हैं, चॉइसलेस रहते हैं। इस स्टेट में हमारा कोई मोटिव नहीं होता, कोई डिजायर नहीं होती। ये कैसी स्टेट है? इस स्टेट में अगले पल हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, यानी कि कॉन्शियसली हमें नहीं पता। अनकॉन्शियस लेवल पर कुछ चीजें हैं वो हमारे अंदर चल रही होती है। जब हम पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं होते तो अनकॉन्शियस लेवल पर चीजें चल रही हैं। लेकिन ये स्टेट ऐसी स्टेट है जहां पर ना भी ना ही कॉन्शियस काम कर रहा है, ना ही आपका अनकॉन्शियस काम कर रहा है। सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब सबकॉन्शियस। इन दिस वेरी स्टेट, इस स्टेट में आपके पास कोई वजह है ही नहीं कि कहां से ये चीजें चल रही है। आपके पास कोई कॉज है ही नहीं, आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है, हेंस आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है। और आप काम कर रहे हैं पूरी पूरे अनंत तरीके से, इनफाइनाइट तरीके से। और इस काम में यू आर आप 100% एनर्जी से फुलफिल्ड है। ये काम अच्छा बुरा या फिर लाइक डिसलाइक पर डिपेंड नहीं करता। ये काम बस आपको एक तरह से इस संसार से जोड़े रखता है कि भाई ठीक है, आप जो जो भी अपने पर्सनल काम कर रहे हो ठीक है, कि आप एक जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो, ताकि आप पूरी तरह से ना हाथ से निकल जाओ, आप पूरी तरह से ना सब कुछ छोड़ दो। और रियलिटी में भी अननोन स्टेट ही एक ऐसी स्टेट है, आई डोंट नो स्टेट, मुझे नहीं पता स्टेट, ऐसी स्टेट है जो एक्चुअल में ट्रू है, जो एक्चुअल में रियल है। क्योंकि इसमें हम किसी चीज को पकड़ नहीं रहे हैं, इसमें हम किसी चीज को लेकर अटैच नहीं है। वी डोंट नो सामने वाला पर्सन हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, वी डोंट नो। मैं अपनी लाइफ में क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं बस जब बहुत फ्री हूं, मैं जब बहुत ही ज्यादा साइलेंट हूं, मुझे पता है कि लाइफ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मुझे पता है चीजें अननोन है, कहां से क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, एक्चुअल में नहीं पता, ट्रूली आई डोंट नो। देन स्टार्टिंग में एक डर होता है, स्टार्टिंग में एक डर लगता है कि हमारे पास से जो नोन है, जिसको हम जानते हैं, वो पूरा घेराव खत्म हो रहा है और हम अननोन में आ रहे हैं, एक डर होता है। लेकिन जब आप इसके साथ एक बार रहना स्टार्ट कर देते हैं, इस स्टेट के साथ, देन यू आर अनस्टॉपेबल। और ये स्टेट, ये बहुत, मैं आपको क्या बताऊं, ये चीज स्पिरिचुअलिटी या फिलोसफी साइकोलॉजी नहीं है, ये प्योर स्टेट है। ये योगियों की स्टेट होती है, ये स्टेट होती है जहां पर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस काम करती है। इस स्टेट को कोई बांध नहीं सकता, रोका नहीं जा सकता इस स्टेट, अगर आप इस स्टेट में आ गए तो, अननोन स्टेट में। यहां पर आप वर्ड्स, शब्दों से, इनर चैटरिंग से डिसीजन नहीं ले रहे होते। यहां पर एक फ्लो होता है, और वो फ्लो, और ये अननोन स्टेट ऐसी नहीं होती कि आप इसको डेवलप कर रहे हैं बार बार, नहीं, ये एक बार ही घटती है जीवन में। आप यहां पर, मुझे पता है ज्यादातर लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ सकती, और ये ऐसी वीडियो कमी लोगों के लिए है। यहां पर आप एक ऐसे जोन में होते हो जहां पर आपके लिए बॉडी, आपका माइंड कुछ मायने रखता ही नहीं है। आप वो नहीं बोल रहे होते जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो ट्रांसलेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, आप वो नहीं बोल रहे हो। आपको खुद नहीं पता आप कहां से बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या समझा रहे हो।
इसमें आपकी कोई इंटेंशन भी नहीं है। अब क्योंकि ये अननोन है तो जो सामने वाला पर्सन जो समझ रहा है या फिर जो आप कर रहे हो उसका जो रिजल्ट होगा वो बॉन्डेज क्रिएट नहीं करेगा, वो लिमिटेशन लेकर नहीं आएगा। या फिर अगर हम अपने दादा नाना की भाषा में करें, कोई कर्म बंधन क्रिएट नहीं होगा। ये मोस्ट प्योर स्टेट है, ये स्टेट बहुत ही कम लोगों को नसीब हो पाती है, अननोन स्टेट, एंड यू आर फ्री कंप्लीटली। बहुत फ्रीडम होती है इस स्टेट में, बहुत एनर्जी होती है पर्सन के पास। और मैंने बताया ये आप ऐसा नहीं कि आप डेवलप करते चलोगे, ये चीज ये बस होती है जैसे चीजें हैं। और आपको पता है सच्चाई भी यही है, आपको एक्चुअल नहीं पता कि आप पास्ट में आपके साथ जो चीजें सही हुई हैं या गलत हुई हैं, यू डोंट नो रियली कि तुम्हारी वजह से हुई है किसी और की वजह से हुई है, या आपको कितना फ्री कर देती है ये चीज अननोन स्टेट। और अगर हम बात करें कि फ्यूचर भी आपको नहीं पता, बट हमारा जो ईगो है वो इस चीज को देखने से नकारता है, वो सर्टेन रहना चाहता है, वो सिक्योर रहना चाहता है, जिसमें वो बहुत इनसिक्योरिटी फील करता है। अननोन स्टेट जो है वो ट्रुथ की स्टेट है, सत्य की स्टेट, अज्ञात स्टेट। तो जिसको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, जिसको लाइफ को लेकर लाइफ की चीजें जानना चाहता है, सफरिंग से मुक्त होना चाहता है, तो मैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स मेरा ज्वाइन कर सकते हो। पहले 12 टॉपिक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, मेडिटेशन, ट्रूथ, थॉट्स के बियॉन्ड क्या है, वो एम आई, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर से कैसे मुक्त हो, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर डेली एक मेडिटेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी लाइफ टाइम तक, यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, ओनली 1000 एक बार ही पेमेंट करना है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ वहाँ से व्हाट्सएप करो और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।